नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। बाणगंगा थाना क्षेत्र में ब्राउन शुगर के साथ पकड़े गए आरोपियों का पुलिस ने रिमांड लिया है, जिनसे और भी खुलासे होने की उम्मीद है। आरोपियों के पास से 34 ग्राम ब्राउन शुगर पुलिस ने बरामद की थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर 3 आरोपियों को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक 3 आरोपी लल्ला उर्फ राज प्रजापत, विशाल पाल और सुजल कौशल को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया था, जिनके पास से 34 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई थी, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों का पुलिस ने रिमांड किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है कि ब्राउन शुगर कहां से लाए थे और किसे देने वाले थे। रिमांड के दौरान और भी खुलासे होने की उम्मीद है। ये थाना बाणगंगा पुलिस के द्वारा एक NDPS एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। इसमें थाने में पदस्थ उप निरीक्षक विजय सनोडिया के द्वारा इसमें मुखबिर सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई और इसमें आरोपी विशाल पाल, लल्ला उर्फ राज प्रजापत और सुजल कौशल, ये 3 आरोपियों को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया और इनसे करीब 34 ग्राम ब्राउन शुगर हीरोइन जब्त की गई, जो करीब 3 लाख 3.5 लाख रुपये कीमती है। और आरोपी 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनका रिमांड लिया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है कि ये कहाँ से ये मादक पदार्थ लेकर आते हैं और कहाँ सप्लाई करते हैं। कोई आपराधिक रिकॉर्ड या इनका? हाँ, इनके आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं। इसमें 2 आरोपी जो है अशोक पाल और जो कौशल राज प्रजापत हैं, इनके पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड हैं। हालाँकि NDPS एक्ट के अंतर्गत इनका पहला प्रकरण है अन्य मारपीट के और इस टाइप के अपराध। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।